राज्य सरकार ने केंद्र सरकार देवे देना वे ई तो मैं शू गलत करो आप घर थोड़ी लावे। अरे केंद्र ने पैसा डाल दिया अभी तक नहीं आया हुआ है हमारे तो बीजेपी कांग्रेस लिखाएगा नहीं खाया तो कौन थे खाया तो कांग्रेस लिखाया थे मतलब पिछले 5 सालों के कार्यकाल में ओला वृष्टि और अतिवृष्टि का 86 करोड़ का मुआवजा भाजपा सरकार 2013 से 2018 में 86 करोड़ एक विधेयक का 2 करोड़ का पूरे साल का फंड होता है 86 करोड़ का मुआवजा सिर्फ भी नहीं मिले गरीबों को मजे ना घड़ो भलो करियो। अरे कहीं नहीं करियो बात होना और कांग्रेस मन उद्देश्य की गीबरी मास खपिड़ उठियो एक साहब कांग्रेस टाइम है आहिला लियो है 25 लाख तक इलाज फ्री हुआ कोई भी हम आ रही ये मोदी के शुरू की हुई है ये मोदी के शुरू की हुई। तो मैं मथानिया के अंदर हूँ और दीपावली नज़दीक है और साथ में ही चुनावी दीपावली भी नज़दीक है। यहाँ पर जानने का हम प्रयास करेंगे किस प्रकार की मिठाइयाँ हैं वो बनती हैं मथानिया के। अगर हम देखें तो काफ़ी साफ सफाई के साथ ये दुकान है। जय श्री बालाजी स्वीट्स एंड नमकीन। राम राम सर। राम राम सर। दीपावली की क्या तैयारियाँ चल रही है सर? दीपावली की सभी तरह की मिठाई बनाते हैं। अच्छा। जैसे काजू कतली है, मावे की मिठाई है, बंगाली मिठाई है, रसमलाई, चमचम, कुर्बानी वगैरह सब चीज़ अवेलेबल मिलती है। बच्ची का हमारे प्रभु राम प्रजापति। कितने वर्षों से? वर्षों से लगभग हो गए 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष। आपका क्या नाम? कैसा राम है जी? आपकी प्रजापति प्रजापति दोनों भाई हैं। दोनों भाई दोनों कंधों ही कौन है? आप ही हो? हमारा बड़ा भाई है। हमारा बड़ा भाई मदन लाल नाम है। अच्छा, मतलब पूरा परिवार लग के इसको। हम सब एक घर के लोग। खेता सर के रहने वाले। कौन सा गांव? खेता सर, समो सिंह। खेता सर, समो सिंह। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? जनता क्या चर्चा करती बैठ दे? जनता तो यही करती है जो बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी बिल्कुल। क्या क्या वजह है? राजस्थान में जो बदलाव वाला ट्रेंड है वो चलता रहेगा? वो तो चलता ही रहेगा, पर वोट बीजेपी को भी देंगे। क्या मतलब वजह क्या है कि भाई लोग क्यों चाहते हैं? मतलब इसकी वजह ये है कि जो कांग्रेस सरकार में जो हम भी राजस्थान सीएचओ का एग्जाम दिया था नर्सिंग कर्मचारी में भी, तो इसके अंदर पेपर बहुत लीक होते हैं। रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर पेपर लीक इसी कार्यकाल के अंदर हुए। जो एग्जाम देते हैं तैयारी करके देते हैं एग्जाम, आउट होते हैं। इसके अंदर सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारी चीजें बोल रही है। हाँ, तो गिरफ्तार कर लिया, एक बार कर लेते हैं, बाद में फिर उसको जमा छोड़ देते हैं बस, और बाद में कोई सुनवाई होती नहीं है। फिक्र सब वो अपने आप ही हो जाती है, बस क्या करें। आप लोग का नाम है? मेरा नाम सुमेर मेहरा। क्यों कहा? मथानिया। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही है। माहौल तो कांग्रेस तगड़ा है। माहौल बीजेपी का तगड़ा है। जनता 5 सालों से इतनी अमूच चुकी है कि वो दबा के भाजपा को सपोर्ट करेगी। मतलब पिछले 5 सालों के कार्यकाल में ओला वृष्टि और अतिवृष्टि का 86 करोड़ का मुआवजा भाजपा सरकार 2013 से 2018 में 86 करोड़ एक विधेयक का 2 करोड़ का पूरे साल का फंड होता है। 86 करोड़ का मुआवजा सिर्फ भैरा राम जी ने ओशा विधानसभा को दिलाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो भैरा राम जी ने अपने स्वयं से गांव गांव निजी खर्चे से कैंप लगाकर 60,000 लोगों का अपनी तरफ से लोगों का बीमा करवाया, लगभग 100 लोगों को उसका लाभ मिला उनकी अकाल मृत्यु होने पर। और नंबर दो ये कृषक साथी योजना होती है। मैं खुद भी कृषि मंडी डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो उसमें उसको अकाल मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख की सहायता मिलती है। तो सबसे सुनो, ये योजना गिना रहे आप, एक दो योजना मुख्यमंत्री मतलब निःशुल्क प्रकट मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना और मुख्यमंत्री वो पॉकेट मिलता है ना, और रात और दिन में फर्क है क्या? क्या लोगों को 100, 200, 400, 500 की वो मिर्ची तो उसे लोगों ने देखा, एक अंदर मिट्टी के तरह क्या उसका मुकाबला? मतलब ये देखो नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद कृषक साथी योजना, सबसे ज्यादा कृषक साथी योजना का पूरे प्रदेश में लाभ ओशिया विधानसभा मिला, जिसका मुद्दा विधानसभा में उठा था कि भाई कृषक साथी योजना का सबसे ज्यादा लाभ ओशिया विधानसभा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ पर मताने कांग्रेस सरकार में एक कन्या महाविद्यालय का कॉलेज खुला है।
कन्या महाविद्यालय जिनके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट बैराराम जी कार्यकाल में सब रेडी हो चुका था, सिर्फ सरकार जाने वाली थी, सरकार चेंज होने के बाद में वो रुक गया, लेकिन बैराराम जी ने पूरा उसको कंप्लीट खाका तैयार कर दिया था, सिर्फ घोषणा होनी बाकी थी और सरकार चेंज होने के बाद में ये थोड़ी समस्या आ गई। बाकी 600 किलोमीटर की सड़कें, ये ऑन द रिकॉर्ड 600 किलोमीटर सड़कें ओशिया विधानसभा में बनी है। भाई साहब कहाँ, अरे क्या बोल रहे हैं, खाका पूरा बोला पिछली सरकार का, ये अपने पार्टी का, ये कांग्रेस देगा, आपके कांग्रेस ने क्या करवाया, आपने कांग्रेस ने क्या करवाया ये बोलो, 5 साल में किया करवाया कांग्रेस ने, वो इस जो कॉलेज बनी है इसका खाका किसने तैयार किया, की कॉलेज दिव्या मदेना, दिव्या मदेना के कार्यकाल में बननी शुरू हुई, लेकिन इसका सबको मालूम है, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, आपके तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे पेश कर सकता हूँ पूरा। इन्होंने जब एक साल पहले मतदान में लड़कियों की सीनियर ना पास वही अभी तक क्लियर नहीं हुए प्रधानमंत्री आवास वाले, और दिव्या मदेना के कार्यकाल में लॉन पास हुए थे वो भी प्रधानमंत्री आवास लोन पास हुई जिको आज क्लियर नहीं हुई है। हाँ प्रधानमंत्री आवास मार लिस्ट में नाम आयो है, मार नाम विनोद कुमार है, अरे नहीं हमारी बात होना, मैं थोड़ा बताऊं सब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब ये लोन पास नहीं हुआ अभी तक, और क्या अभी करेगी कांग्रेस, 5 साल मार तो दिव्य घनी करियो सा कई करियो, पांच बात बताओ किले मार पानी टंकी टंकी पानी कोई नहीं, गरीब बोल पानी टंकी बना दी, आईपीएन आ गई बड़ी बड़ी टंकी है पानी की जो बने, केंद्र सरकार जल मिशन के योद इसका अब आईटीआर के तहत उसका रिकॉर्ड निकालो, जितनी भी बड़ी टंकियां बनी है ओशा विधानसभा में सब जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की तरफ से इसका टोटल जो फंड मिला है जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का फंड है। मतलब ये अरे पैसा बनी मारे जैसे बैर जी बीजेपी सरकार होती बैर जी और उनटे मोर टंकी मन पानी आओ तो आज नेवरा रोड समिति डोनी मात पानी नहीं आओ, 4-5 बार जान आ गया जावेदन क्या अपने नहीं उठाओ, अपने एप्लीकेशन लगाओ, एप्लीकेशन एसडीएम पेश हो गया ग्राम सेवक ने जावेदन के सरकार को नहीं मारी, मार तो सरकार ही रही है कि नहीं हमें सरकार है तो कहीं करे को नहीं पानी आओ टंकी पड़ी खाक लो गले जड़ी ये मैं आपको ये बता रहा हूँ साहब, लाइट आएगी बीजेपी टाइम में और कांग्रेस मन होती जो की गीबरी मासो खपिड़ उठियो, एक साहब कांग्रेस टाइम में आइला लियो है 25 लाख तक इलाज फ्री हुआ कोई भी, हम ये मोदी के शुरू की हुई है, ये मोदी के शुरू की हुई गहलोत नहीं मोदी के नहीं मामले में चिरंजीवी प्रधानमंत्री तरफ से भी मुफ्त दवा योजना की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से निःशुल्क दवा योजना के काउंटर जोधपुर बड़े अस्पतालों में चल रहे हैं। राज्य भाई राज्य सरकार ने केंद्र सरकार देवे देना वे ई तमाशो के लोग आप घर थोड़ी लावे, अरे केंद्र ने पैसे डाल दिया अभी तक नहीं आया हुआ है हमारे दोस्तों, मतानिया की जो जनता है बड़े तर्क के साथ बात कर रही है, मैं मतानिया के अंदर यहाँ दीपावली की सीजन का जो है अब की बार बैराराम जी बड़ी बहुमतों से विजय होगा इसमें कोई कसर नहीं है, हमारे उमेनगर में कुछ नहीं किया, हमारे में बैराराम जी कम से कम 1,500 वोटों से बहुमत हो गए इसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं काकू क्यों आपने पूछना, पतानिया की जनता है वो कमर कस चुकी है और चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 10-12 दिन बचे हैं, यहाँ पर दीपावली के सीजन का भी आनंद ले रहे हैं, मैं आपको भोजपे फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।